Good morning, dear students. In my previous video, I have discussed about the chapter 1, the fun they had. In my today's video, I will discuss about the question answers. और आप सबको ये question answers अपनी fair copy में लिखने हैं और साथ में इन्हें याद भी करना है, क्योंकि आपके आपका syllabus जो change हो गया है उसके बाद आपको यही books पढ़ने हैं. अब पहला जो question है वो ही है, answer the following these questions in few words or couple of sentences. आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स नीचे दिए हैं इन्हें या तो कुछ शब्दों में लिखना है या एक आध सेंटेंस में लिखना है. पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी. मागी और टॉमी की एज क्या है? तो क्वेश्चन देख आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे इसका आंसर नीचे ये रहा है, मागी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. मागी जो है वो 11 साल की है और जो टॉमी है वो कितने साल का है? 13 साल का है. दूसरा क्वेश्चन है, वॉट डिड मागी राइट इन हर डायरी. मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? इसका आंसर यहाँ नीचे दे रखा है, शी किसको लिखा है? मार्गी. रोट इन हर डायरी, टुडे 17 May 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इस डेट पे टॉमी को एक रियल बुक मिली थी, किताब मिली थी. तीसरा क्वेश्चन है आपका, हैड मार्गी इवन सीन अ बुक बिफोर. क्या मार्गी ने पहले किताब देखी थी? इसका आंसर है ये, नो, मार्गी had never seen a book before. उसने पहले कभी किताब नहीं देखी थी. If she had, she could not have written the sentence in her diary. अगर उसने अगर उसने देखी होती तो वो कभी भी अपनी डायरी में इस सेंटेंस को नहीं लिख पाती. किस सेंटेंस को? कि उसे बुक मिली है. चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इज, What things about the book did she find strange? उसे किताब के बारे में कौन सी चीज़ें क्या लगी हैं, अजीब लगी हैं? तो इसका आंसर है ये, She found its yellow and wrinkled pages strange. उसको उस किताब के येल्लो और रिंकल्ड पेजेस कैसे लगे हैं? स्ट्रेंज, अजीब से लगे हैं. और इसके बाद आप ये जो सेकेंड सेंटेंस दे रखा है, शी ऑल्सो फाउंड द वर्ड्स स्ट्रेंज, उसे उसमें शब्द भी स्ट्रेंज लगे. बस इसको यहीं तक करना है, आगे नहीं करना है. थर्ड क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज. एक टैली बुक क्या होती है? अब यहाँ पे टैली बुक की डेफिनेशन है, ये रहा, अ टैली बुक इज़ अ बुक मीन्ट ओनली फॉर टेलीविजन. एक टैली बुक ऐसी बुक होती है जो कि केवल किसके लिए होती है? टीवी के लिए. इट इज़ व्हाट मूव्स ऑन ए टेलीविजन स्क्रीन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ ए बुक. वो एक ऐसी किताब होती है जो टेलीविजन स्क्रीन पे कंटिन्यूसली मूव करती है, लेकिन उसमें क्वालिटी किसकी होती है? एक बुक की होती है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6th वाला, वो ये है, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स. मार्गी का स्कूल कहाँ पे था और क्या उसकी क्लास में कोई बच्चे थे? इसका आंसर है ये, मार्गीज स्कूल वॉज हर ओन रूम. मार्गी का जो स्कूल था उसका अपना खुद का कमरा था. शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे. 7th और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मागी एंड टॉमी लर्न. मागी और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट लर्न किए थे? तो पहला क्वेश्चन है, मागी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स और टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. अब ये तो आ गए आपके वन वर्ड या टू सेंटेंसेस टाइप क्वेश्चन. सेकेंड है आपका, आंसर विद द रेफरेंस टू द स्टोरी. इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा क्वेश्चन में, फिर उस बेसिस पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे. जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, आई शुडंट थ्रो इट अवे, ये किसी ने बोला है. तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु सेज दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने बोली? इसका आंसर ये रहा, टॉमी सेज इस, ये टॉमी ने बोली. दूसरा क्वेश्चन है, वॉट डज इट रिफर टू, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसमें एक है, आई वुडंट थ्रो इट, ये जो आ रहा है ये इट किसके लिए यूज़ किया गया है? तो आंसर है, इट रिफर्स टू द टेली बुक. इस किसके लिए यूज़ किया गया है? टेली बुक के लिए. इसमें तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, वॉट इज़ इट बींग कम्पेयर्ड विद द स्पीकर. स्पीकर से किसको कम्पेयर किया जा रहा है? तो इसमें आ रहा है, इट इज़ बींग कम्पेयर्ड टू द रियल बुक, उसे एक सच्ची किताब के साथ कंपेयर किया जा रहा है. अब सेकेंड क्वेश्चन है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. ये स्टेटमेंट है. अब पहला तो इसमें ये इसमें भी वही क्वेश्चन होगा, हु डज दे रिफर टू, दे किसको रिफर कर रहा है? अब आंसर नीचे है, दे रिफर्स टू टॉमीज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर. दे कौन है? टॉमी के दादाजी के भी दादाजी. दूसरा है, वॉट डज द वर्ड रेगुलर मीन. रेगुलर का मतलब क्या है यहाँ पे? तो रेगुलर मीन्स who is present daily and
इज़ नेवर एबसेंट. रेगुलर का मतलब है जो बच्चा रोज़ स्कूल में आता हो, कभी भी क्या नहीं होता, एबसेंट नहीं होता. वॉट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विद, इसे किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है या किसके साथ बताया जा रहा है. इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द टेलीविजन टीचर, इसे किसके साथ तो बताया जा रहा है. पैरेलली एक टेलीविजन टीचर के साथ, टेलीविजन टीचर मतलब जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं, टीवी पे बुक्स चलती हैं, और पहले लोग रियल किताबों से पढ़ते थे, तो वो कंपेरिजन बताया जा रहा है. अब नेक्स्ट जो है अब आपका वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ या 30 शब्दों में. 30 शब्दों में मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इनमें एक या दो सेंटेंस, दो या तीन सेंटेंसेस में इन क्वेश्चंस को ख़त्म करना है. पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव. मार्गी एंड टॉमी की टीचर कैसी थी, या डिस्क्राइब द टीचर्स मार्गी एंड टॉमी हैड. मार्गी और टॉमी के टीचर का क्या करो, डिस्क्रिप्शन करो. अब इसका आंसर ये है दे मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ टेलीविजन. उनकी जो टीचर्स थी वो कोई इंसान नहीं थे, मैकेनिकल टीचर्स थे, या तो वो टीवी था या कंप्यूटर टीचर्स थे जो कंप्यूटर उन्हें पढ़ाता था. और इट वाज ईयर 2157, वो है बहुत आगे की बात हो रही है. और आगे साइंस हैज़ रिप्लेस्ड मैन टीचर्स विद कंप्यूटर टीचर्स, और आज जो डेवलपमेंट हो रहा है उसने इंसानों की जगह कंप्यूटर को टीचर के फॉर्म में उनके सामने लाकर रख दिया है. दूसरा क्वेश्चन है Why did Margie mother send for the county inspector? क्यों उन्होंने उसे county inspector के पास भेजा. इसमें आपका आंसर ये She, Margie's mother sent for the county inspector क्योंकि Margie's mechanical teacher had been giving trouble in its geography sector. क्योंकि Margie की जो mechanical मतलब computer teacher थी, computer teacher मतलब क्या है यहाँ पे, उसे computer में के थ्रू ही पढ़ाया जाता था, उसे कोई इंसान नहीं पढ़ाता था, तो उसको ज्योग्राफी पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही थी. इट हैड बीन टू क्विक, बहुत जल्दी पढ़ाया जा रहा था. मार्गी कुड नॉट फॉलो इट, मार्गी उस चीज़ को क्या नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी. तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है व्हाट डिड ही डू, वो क्या करता था. व्हाट डिड ही डू, आंसर इसका ये है ही विजिटेड मार्गीज होम, ही टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, ही सेट इट्स ज्योग्राफी लेवल इक्वल टू मार्गीज मेंटल लेवल, इट वॉज देयर बिफोर द मार्गी लीव हिम. अब यहाँ पे व्हाट डिड ही डू में ही किसको बताया जा रहा है, यहाँ पे ही बताया जा रहा है ही इज़ द काउंटी इंस्पेक्टर. उसने क्या किया, उसने मार्गी के मैकेनिकल टीचर को हटा दिया, मैकेनिकल टीचर मतलब जिस कंप्यूटर के थ्रू उन्हें पढ़ाया जा रहा था उन्हें हटा दिया, और उन्होंने ज्योग्राफी का लेवल मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, जितना मार्गी समझ पाए. इट वॉज देयर बिफोर मार्गी टू लर्न फ्रॉम, और ये वैसा ही हो गया जैसा कि मार्गी क्या करना चाहती थी, सीखना चाहती थी. इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. मार्गी ज्योग्राफी में अच्छे से क्यों नहीं पढ़ पा रही थी, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी मदद करने के लिए. तो इसका आंसर है ये वाला फोर्थ आंसर है मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन टू क्विक फॉर हर टू फॉलो. वो उसको ढंग से इसलिए नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा था, तो वो उसको समझ नहीं पा रही थी. इसके बाद मार्गीज मेंटल लेवल वॉज नॉट इन ट्यून विद इट, मार्ग जो उसे समझाया जा रहा था वो उसको समझ में नहीं आ रहा था. द काउंटी इंस्पेक्टर केम, ही चेक द मैकेनिकल टीचर. काउंटी इंस्पेक्टर आया और उन्होंने क्या किया, मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैकेनिकल टीचर का या उसके कंप्यूटर के लेवल को क्या कर दिया, सेट कर दिया. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें है अब फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था. इसका आंसर है द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैज़ वन ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, सो दे टुक इट अवे फॉर नियरली अ मंथ, टॉमी रिलैक्स्ड फॉर दैट पीरियड विदाउट एनी वरी. हिस्ट्री सेक्टर क्या था, उन्हें समझा नहीं पा रहे थे, तो एक महीने के लिए कम्प्लीटली उसे वहाँ से ले जा के हटा दिया गया था. उस टाइम पर टॉमी ने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं ली थी और उस चीज़ को उसने रिलैक्स होकर मतलब खुशी से निकाला था कि उसे पढ़ना नहीं पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिक्स्थ क्वेश्चन डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आस्क फॉर स्कूल, इफ सो वाई. क्या मार्गी पहले वाले लोग बच्चों की तरह रोज़ डेली स्कूल जाया करती थी, या स्कूल जैसे हम स्कूल जाते थे वैसे ही वो स्कूल जाती थी. इसका आंसर है येस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आस्क फॉर स्कूल, उसका रोज़ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्कूल लगता था. इट इज़ क्लियर इन हर मदर्स कॉलिंग हर टू स्टडी देन टॉमी हैड बीन टू हर हाउस, और जब उसकी मम्मी उसे पढ़ने के लिए बोलती थी तो उसे पढ़ना पड़ता था, और
उसकी मम्मी अक्सर कर उसे बोलती थी, टॉमी हैड बीन टू हर हाउस देन, और टॉमी उसके बाद उसके घर आया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने ज़माने के जो स्कूल हैं उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया था। टॉमी ने उसे डिस्क्राइब किया था, दे हैड अ बिल्डिंग, ऑल किड्स वेंडर, वहाँ पे क्या होती थी, सारी बिल्डिंग होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे, दे लर्न द सेम थिंग, दे हेल्प ईच अदर इन दैट, वो सब एक ही चीज़ सीखते थे और एक दूसरे को क्या करते थे, हेल्प करते थे पढ़ने में। आपको ये बस यहीं तक करना है, इसके आगे नहीं करना है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, और उसने पुराने टीचर्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था, उनको किस तरीके से बताया था। इसका ये आंसर है, ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर बाय सेइंग दैट दे डिडंट लिव इन द हाउस। उसने बोला था पुराने ज़माने के जो टीचर्स होते थे वो आज के ज़माने के टीचर, जैसे कंप्यूटर है वो आज हमें पढ़ाता है, उनकी तरीके से घर पे नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए अलग से बिल्डिंग होती थी, दे वेंट देयर, दे गेव द बॉयज़ एंड गर्ल्स होमवर्क, वो बच्चों को होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, और पुराने ज़माने में जो टीचर्स थे वो इंसान ही होते थे। अब लास्ट जो है वो है आपका आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ, इनको आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स में पढ़ना है, पर हमें इन क्वेश्चंस को ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करना है, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटेंस का करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करवा देती हूँ आपको इसमें कितना पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मागी एंड टॉमी हैड इन द स्टोरी। मेन फीचर्स बतानी है आपको मैकेनिकल टीचर्स की, मतलब जो टीचर्स टॉमी और मार्गी को पढ़ाते थे और उन्होंने स्कूल रूम को और इसको कैसे डिस्क्राइब किया है। तो इसका पहला आंसर ये है, अब मैं इसमें आपको जितना टिक करवाऊँ आपको उतना ही करना है, सब नहीं करना है। द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द क्लासरूम आर दैट दे आर कंप्यूटर विद स्क्रीन्स। जो मार्गी और टॉमी के टीचर्स थे वो क्या थे, एक कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर के साथ में स्क्रीन थी और उस कंप्यूटर में से ही उन्हें आवाज़ आती थी, उन्हें कोई इंसान नहीं पढ़ाता था। दे आर फिक्स्ड इन देयर स्कूल रूम्स, वो उन्हीं के स्कूल रूम में फिक्स होते थे। व्हेन देयर इज़ टाइम टू स्टडी, मोथ मार्गी एंड टॉमी सिट बिफोर देम, जब भी पढ़ने का वक्त होता था तब वो दोनों क्या करते थे, उनके आगे बैठ जाया करते थे। देन दे स्विच ऑन देम, और वो फिर उसको चालू कर देते थे और उसके बाद उस स्क्रीन पे चैप्टर अपने आप चलने लगे थे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मार्गी और टॉमी को पढ़ाने वाले टीचर्स या तो कोई कंप्यूटर स्क्रीन थी या कोई रोबोट था। आपको इसमें ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये कितना करना है मैं आपको बता देती हूँ, दीज मैकेनिकल टीचर्स हैव स्लॉट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, और इन टीचर्स के स्लॉट्स फिक्स होते थे। और इसके बाद आप डायरेक्ट आओगे, आपने इसको इस पॉइंट तक किया, इसके बाद आपको लास्ट पैराग्राफ में एक सेंटेंस ऑन करना है, द मैकेनिकल टीचर्स हैव सब्जेक्ट्स, जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनके अपने क्या होते थे सब्जेक्ट्स, लाइक ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, और द सब्जेक्ट आर मेड इक्वल, और सब्जेक्ट वैसे ही बढ़ाए जाते थे जैसे कि बच्चे को क्या होते हैं, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। तो आपको इस आंसर में एक तो जो पहला पैराग्राफ है ये पूरा करना है, और थर्ड पैराग्राफ की केवल जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस है ये करना है, बीच का जो पार्ट है उस पूरे पार्ट को आपको स्किप करना है, उसे नहीं पढ़ना है, इसको आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना मैंने टिक करवाया है, शुरुआत से लेके पूरा फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट से लेके ये जो चाइल्ड, एवरी चाइल्ड जो है वहाँ तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, एवरी चाइल्ड यहाँ तक। तो आप इसको लिखेंगे भी इतना और याद भी इतना ही करेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं था। Why did she think the old kind of school must have been fun? उसे ऐसे क्यों लगता था कि जो पुराना स्कूल था, पुराने ज़माने में बच्चे जिस हिसाब से पढ़ते थे उन्हें क्या होता था, वो खुश होते थे और वहाँ ज़्यादा मस्ती होती थी। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताती हूँ आपको कितना करना है, मार्गी hated school because her school was the mechanical teacher। मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल कौन था, मैकेनिकल टीचर, मतलब कोई पुराने ज़माने में कोई बिल्डिंग या कोई टीचर नहीं थे बल्कि कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई होती थी। इट हैड बीन फिक्स्ड इन हर स्कूल रूम, वो उसके स्कूल रूम में फिक्स था। शी हैड टू सिट अलोन एट द फिक्स टाइम एंड डू सम्स और लर्न थिंग्स, उसे फिक्स टाइम पर वहाँ पर बैठना पड़ता था और क्या करना पड़ता था, पढ़ना पड़ना था। तो पहला तो आप इसको थिंग्स तक पढ़ोगे, उसके बाद ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल एंड व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से करना है,
ये कि उसको आप नए टाइप का जो पुराने टाइप का जो स्कूल था वो क्यों पसंद था, वो इसलिए यहाँ से इसमें आएगा, इट वॉज दैट शी हैड नो कंपनीज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हर एज जो उसके प्रेजेंट स्कूल में, एवरी बॉय एंड गर्ल इन हर नेबरहुड स्टडीड उसी तरीके से पढ़ते थे लाइक दैट इन देयर ओन स्टडी रूम्स, देयर वर नो स्कूल्स एज दे आर टुडे, सो शी लर्न अबाउट सच स्कूल, इट इंक्रीज्ड हर हेटर्ड फॉर हर मैकेनिकल टीचर मोर एंड मोर। पहले के ज़माने में जैसे बच्चे साथ में पढ़ा करते थे, आजकल नहीं पढ़ते, ये चीज़ सोच के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इसीलिए वो आज के ज़माने के स्कूल से क्या करती थी, नफरत। तो आपको जितना मैंने इसमें टिक किया हुआ है इतना ही पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है थर्ड क्वेश्चन, ये डू यू एग्री विथ मार्की दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जहाँ ज़्यादा मस्ती होती है, ना कि जो इसमें बताया गया है। गिव रीज़न, आपको अपने आंसर के लिए रीज़न देना है। आपका आंसर ये है, येस इट इज़ ट्रू दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। आज के ज़माने के जो स्कूल हैं उनमें ज़्यादा मस्ती होती है ना, और जो स्कूल आपको इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया उसमें कोई मस्ती नहीं होती। देन दिस स्कूल इज़ नथिंग बट ए कंप्यूटर विद अ स्क्रीन एंड स्लॉट। ये जो स्कूल आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया ये कैसा है, इसमें एक स्क्रीन है जिसपे बैठ के बच्चों को कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना पड़ता है। अब इट्स इंस्ट्रक्शंस फ्लैश ऑन इट्स स्क्रीन, क्या क्या उन्हें करना है वो स्क्रीन पे दिख जाता है। तो आपको पहला इतना पढ़ना है, पर अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ना है, बट इन द स्कूल टुडे, आजकल के ज़माने के जो स्कूल होते हैं, किड्स ऑफ द सेम एज गो टू स्कूल इन नेबरहुड, एक ही एज के सारे बच्चे अपने पास के स्कूल में जाते हैं, दे गो टू देम लाफिंग एंड शाउटिंग, वो स्कूल जाते जाते खुश होकर चिल्लाते हैं जाते हैं, दे प्ले टुगेदर, वो साथ में खेलते हैं, दे एन्जॉय देयर स्टे एट स्कूल, और वो जब स्कूल जाते हैं वहाँ बहुत खुश रहते हैं, और दे गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द, और आखिर में वो अपने घर वहाँ से साथ निकलते हैं। तो आपको ये वाला आंसर भी इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और लास्ट का जो लॉन्ग आंसर्स टाइप हैं वो उतने ही पढ़ने जितने मैंने आपको इस वीडियो में टिक करवा रखे हैं, बाकी आप इन सब को आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को याद करना शुरू कीजिए, एंड थैंक यू।